सो ही गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं तुम लोग के काफ़ी बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में मैं तुम लोग को कुछ ऐसे पोकेमॉन्स देखा मैं करूँगा जिसकी मदद से तुम रैंक पुल्स एकदम इजीली कर पाओगे। प्लस अगर तुम सिंगल प्लेयर या डबल प्लेयर तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो वीडियो में बढ़ते तो चलो चलते वीडियो की तरफ। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस हम लोग पहुंच गए मेरे गेम में। तो देख सकते हैं यहाँ पे गेम ओपन हो गया और 19,000 योर्स कॉइंस हो चुके हैं। अब तो मैं यहाँ आ जाने पोकेमॉन यूनाइट बैटल कमेटी में। यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ पोकेमॉन्स नहीं खरीदे लेकिन मैंने कस्टम बैटल वगैरह में ट्राई किया है। कैसे? तो पहले स्पीच बढ़ते हैं। अच्छा तुम्हें ट्रोल करने लग चुके हो तो तुम्हें गेंगा लेना चाहिए। ऑफेंसिव खेलना चाहते हो तो तुम जरूरत के साथ जा सकते हो। एंड प्लस अगर तुम पीठ पीछे वाट रहना तो तुम एब्सॉल के साथ जा सकते हो। बाकी टैलॉन फ्लेम ठीक ठाक है। फिलहाल डोरियो यूज कर सकते हो। अगर तुम डुओ खेलते हो तो उसके साथ कॉम्फी लेके चले जाना। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव खेलना पसंद है तो जरूरत तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो गेंगा यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास है ऑलरेडी। तो ये मैं बहुत यूज कर चुका हूँ। तो आप डिफेंडर के रोल में चलते हैं। यहाँ देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे डिफेंडर्स हैं। ऑलमोस्ट 10 हो गए। तो लेटेस्ट अमजिया नहीं लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे डिफेंडर बताऊँगा जो बढ़िया रहेगा। जो मैंने पर्सनली यूज किया वो है ब्लास्टोइस एंड दूसरा है ट्रेवेनिंग। ट्रेवेनिंग बहुत बढ़िया है। इसके साथ कॉम्फी के साथ ब्रोटीन कॉम्बो बन सकता है। इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत बढ़िया स्टन भी मार सकते हैं। एंड अगर तुम्हें जंगल इन्वेटर है तो तुम जा सकते हो ग्रेडियंट के साथ। ये काफ़ी मज़ेदार पोकेमॉन है। तुम आराम से जंगल इन्वेट कर सकते हो। अब बात करूँ पर्सनल एक्सपीरियंस में तो मेरे को ट्रेवेनेंट और ब्लास्ट ही अच्छा लगता है। अब चलते हैं अटैकर की तरफ। अटैकर में इतने सारे पोकेमॉन मेरे पास पर ट्रेवेनेंट में मैं जो यूज करता हूँ वो बहुत ही खास है। एंड जो तुम्हें यूज करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। विनेसॉल सोला बीमार ये देख सकते हो। ये इतने सारे अटैकर्स हैं। तो इन सब अटैकर में मैं तुम्हें देखा मैं कहूँगा तुम यूज करो डेल्फॉस रैटपर सैंडलर ग्लेशियर यूज कर सकते हो। अभी के मेटा में बढ़िया है। विनेसॉल ले सकते हो फिर सेंजेस ले सकते हो नाइन टेल बिल्ट मत जाना और डेल्फॉस डाटन मतलब ये सब ले सकते हो जितने भी अटैकर है मेरे पास। पर नाइन टेस पीकाचू बिल्कुल भी मत लेना क्योंकि ये बहुत ही बेकार पोकेमॉन है। और साथ ही क्रैमोराइन बिल्कुल भी नहीं। ड्यूराइल उठो ले जा सकते हो अगर तुम्हें चलाना आता हो तो। सिल्वियन बढ़िया है पर वो अभी काम नहीं करेगा। एसपियन ले जा सकते हो। म्यू बिल्कुल भी मत ले जाना अपने साथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रोल की तरफ। ग्लेशियर से तुम बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव खेल सकते हो। इसके साथ तुम अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना आते ही मतलब चलाना आते ग्लेशियर तो ये बढ़िया है। बाकी डाटा पर को चांस दो ये बहुत पावरफुल है। इसका डाटियन डांस अब ऑलराउंडर देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो चारिज़ार्ड है मचैम लुकारियो सेना ये सब है। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा मचैम ब्रैडन आई एजी स्लैश बस वो टैरानीटर सिजॉल उसीफू ये सब ले जाओ। गालचॉम मत ले जाना। सेना बिल्कुल भी नहीं। लुकारियो बिल्कुल भी मत ले जाना। सॉरी गला बता दी था लुकारियो बिल्कुल भी नहीं वो बेकार हो चुका है। ब्रैडन आई बढ़िया है। टैरानीटर अच्छा है अगर तुम अर्ली फार्म कर लेते हो तो ईजी रहेगा। सिजॉल भी मोस्ट ब्रोकन बन चुका है तो ये तुम्हारे लिए बेटर चॉइस रहेगा। एंड अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव खेलना है तो जेसियन के साथ जा सकते हो। वो सिफू भी ठीक ठाक है लेकिन गालचॉम बिल्कुल भी नहीं। वो बफ है लेकिन फिर भी वो पावरफुल नहीं है उतना। बस वर्ल्ड के साथ तुम जा सकते हो। एजी स्लाइस भी ब्रोकन है। तो आई होप ये तो आई होप तुम्हें समझ आते होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।